आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जालौर की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्तमान में जो चुनावी परिदृश्य है, इस संबंध में कुछ आपसे हम साझा करना चाहते हैं। बंधु, आप सभी जानते हैं कि जालौर जिले व सांचौर की 5 विधानसभा में से भारतीय जनता पार्टी ने सांचौर विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा की है। उस घोषणा को लेकर पार्टी के भीतर और कुछ बाहर के व्यक्तियों द्वारा अलग अलग तरह की बातें हो रही है, प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। उस संबंध में मैं कुछ आपसे कहना चाहूँगा। सर्वप्रथम, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और विधायक उम्मीदवारों का चयन केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड करता है, केंद्रीय चुनाव समिति करती है। सांचौर की विधानसभा का चयन हमारे दिल्ली चुनाव समिति में हुआ है। उसके बाद में हमारे यहाँ अन्य जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा उस निर्णय को लेकर रोष प्रकट किया गया। स्वाभाविक है, उम्मीदवारों के बीच में सभी को लगता है कि मैं योग्य और मुझे मिलनी चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय पार्टी है, राजस्थान में सरकार बना रही है, इसलिए सभी उम्मीदवारों को लग रहा है कि भाई हम इस सरकार के हिस्से बने, हम अंग बने। उस घटनाक्रम में मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी नेताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे सेंट्रल बोर्ड ने निर्णय लिया है, उस निर्णय के अनुसार हम सभी को काम करना है। कुछ कार्यकर्ताओं को अलग अलग तरह की अफवाहों के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, उन सभी से मेरा निवेदन है कि वो केवल और केवल कमल के फूल के प्रति निष्ठा रखें और पार्टी को सहयोग करें। एक विषय वर्तमान में चल रहा है, हमारे सांचौर विधानसभा के 8 मंडल अध्यक्ष थे, जिसमें से 6 ने स्वेच्छा से मंडल अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र लिए थे। उसमें हमने पूरी प्रक्रिया निभाई थी। जैसे ही हमारे उम्मीदवार की घोषणा हुई और हमें हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा इस निर्णय में असंतोष होने की बात पता चली, तो हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व को उसकी जानकारी दी। जानकारी के आधार पर हमारी राष्ट्रीय मंत्री, प्रदेश की संगठन सह प्रभारी एवं जोधपुर संभाग की चुनाव प्रभारी परमादरणीय विजय जी राठकर से जब मेरी बात हुई और मैंने उनसे निवेदन किया कि एक बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठना चाहिए, हमारे मंडल अध्यक्ष और यहाँ के विशेष कार्यकर्ताओं के साथ हमें बैठना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए, विजय जी ने हाँ भरी और उनका बालोतरा का कार्यक्रम 8 बजे का शाम को था, वो पूरा करके हमने भीनमाल का स्थान चयन किया और वहाँ पर हमारे 8 मंडल अध्यक्षों को हमने आमंत्रित किया, 5 हमारे जिला पदाधिकारियों को आमंत्रित किया, हमारे पूर्व प्रधान हनुमान जी भादू, मोतीलाल जी, रावत सिंह जी, इस तरीके से हमारे सांचौर विधानसभा के 20-22 जो अग्रिम कार्यकर्ताओं की पंक्ति है उनको हमने आमंत्रित किया। मैंने खुद ने दानाराम जी और जीवाराम जी से संपर्क किया, दानाराम जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला मैं बाहर, हम सभी को वहाँ बिठा के बात करना चाहते थे। विजय जी ने आकर जब हमारे मंडल अध्यक्षों का शाम का था तो हमने भोजन भी सभी ने साथ में वहीं पर किया और विजय जी ने जब बात रखी तब हमारे सभी मंडल अध्यक्षों ने अपने अपने स्तर से जो भी उनके मन में बात थी वो सामने रखी। उस बैठक में विजय अताई जी थे, हमारे जो चुनाव के जिले के प्रभारी आए दिल्ली से, अजय जी मावर थे, मैं खुद था और ये हमारी जो टीम है जिले की, ये भी उस मीटिंग में मौजूद थी। हम सभी ने उनसे निवेदन किया था कि पार्टी का जो निर्णय है उसको आप मानिए और आपकी कोई आपत्ति है तो हम, विजय जी ने बताया कि हम उचित मंच पर उसको रखें। उसके बाद आपके सामने हैं दानाराम जी और जीवाराम जी, जब बाहर से आए एक जुलूस निकला, एक अच्छी सभा हुई, उन्होंने अपनी तरफ से जो भी अपनी बात थी वो रखी। हम उससे न उसका विरोध करते हैं न उससे असहमत हैं,
पार्टी के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ भी टिकटें घोषित होती है तो जो जिनको नहीं मिलती उनकी तरफ से कुछ न कुछ इस तरीके से अपनी बात होती है। ये लोकतंत्र प्रक्रिया का हिस्सा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य दल हो। उन्होंने कि उसके बाद में जो मंडल अध्यक्षों ने सीधे प्रदेश अध्यक्ष जी को इस्तीफा भेजा, हमें ये जानकर थोड़ा दुख हुआ। उसके बाद मैंने फोन से भी दो तीन मंडल अध्यक्षों से बात की, दूसरों से बात हो नहीं पाई। उनको मैंने यही निवेदन किया कि आपको विचार करना चाहिए, तो उन्होंने बताया हम कार्यकर्ता के तरीके से काम करेंगे, अब हम पद पर काम नहीं कर सकते। दूसरे दिन सुबह हमारे जिला महामंत्री प्रकाश जी छाजर ने सभी से संपर्क किया, तब भी उन्होंने काम करने की अनिच्छा बताई। उसके बाद हमारे जो विधानसभा के संयोजक है, जो चुनावों के अंदर पूरा काम देखते हैं विधानसभा का विशेषकर, बने सिंह जी गोहिल से हमने बात कराई, तब भी उनकी तरफ से यही बात आई कि हम काम कार्यकर्ता के रूप में करना चाहेंगे। जब पार्टी को ऊपर शीर्ष नेतृत्व को ये पता चला कि भाई इस तरीके से मंडल अध्यक्षों ने काम करने की अनिच्छा व्यक्त की है, तो ऊपर से हमें निर्देशित किया गया कि इनकी जगह जल्दी से जल्दी नई नियुक्ति की जाए। उस प्रक्रिया का पालन प्रदेश से हुआ है और प्रदेश ही करता है। जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझता है उनको सभी को पता है कि मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति प्रदेश के द्वारा ही सहमति मिलने पर होती है। उसमें जिले का केवल और केवल एक मीडिया का रोल होता है, वहाँ से आने पर हमें घोषणा करते इतना मात्र जिले में उसकी कार्रवाई होती है। तो एक तरीके से जो चर्चा चल रही है आम जन में भी है, पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि पार्टी ने इनके साथ गलत किया। मैं आप सभी से, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, सभी से, भारतीय जनता पार्टी के शुभेच्छक, वोटर्स और सभी बंधुओं से, कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, बहुत विशाल हृदय की पार्टी है, सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है, सभी को साथ लेकर चलने की हमेशा मंशा रही है और आगे भी रहेगी। किसी के साथ किसी भी तरीके से पार्टी, विशेषकर कार्यकर्ता जो फील्ड में काम करते हैं, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रखी है, आगे भी नहीं रखेगी। ये आप सभी से निवेदन करने के लिए मैंने आप सभी को आमंत्रित किया था। आपकी तरफ से कोई ऐसा विषय हो आप बता सकते हैं। कल जोधपुर में जेपी नड्डा के समक्ष जो बैठक हुई थी उसमें सांचौर को लेकर कुछ चर्चा हुई थी वहाँ पर? नहीं, सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं हुई, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से हमारी चर्चा हुई थी। उसमें देव जी भाई भी थे, मैं भी था, हमारे अजय जी मावर भी थे। हमारे आगे की रणनीति को लेकर कुछ चर्चा आपस में हुई थी। आने वाले समय में देव जी पटेल का जो इश्यू है, जो समर्थ जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो नाराज है, जीवाराम चौधरी और धनाराम चौधरी, उनको मनाने के लिए कोई बड़ा नेता यहाँ आ सकता है, उनसे मुलाकात करेगा, ऐसा कुछ संभव है? बिल्कुल संपर्क में है बड़े नेताओं से, फोन टेलीफोनिक बात हो रही है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। और आवश्यकता होगी तो उनसे रूबरू भी मिलेंगे, पार्टी सभी प्रयास करेगी। वो कह रहे हैं कि टिकट परिवर्तन नहीं होगी तो हम सामने खड़े होंगे। नहीं, हमें नहीं लगता है, हम उनको मना लेंगे। सर, इस्तीफों का दौर लगातार जारी है, कल भी दिए, परसों भी दिए, इसको लेकर संगठन में बैठे हुए रहोगे आपकी? नहीं, इस्तीफों के दौर के अंदर कुछ बातें हैं जो एक तरीके से थोड़ी सी वास्तविकता से दूर है। मंडल अध्यक्षों का जरूर छह की जो बात थी वो ठोस बात थी। उसके बाद में तो एक समझ लीजिए कि कार्यकर्ताओं को कुछ पद पर है, कुछ नहीं है, लोगों ने इस्तीफे दिए, बूथ वगैरह के मुझे नहीं लगता उसमें मुझे कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन फिर भी एक छोटी सी मैं बात आपको कहता हूँ, इससे अंदाज लग जाएगा। शायद एक समाचार पत्र में आज लिखा है कि 100 शक्ति केंद्र ने इस्तीफा दिया है, जबकि सांचौर में शक्ति केंद्र 50 ही है, पार्टी के शक्ति केंद्र 50 ही है। तो उन शक्ति केंद्रों से या बूथों से आपकी बात हुई, बूथ अध्यक्ष से कितना दिए या कितना नहीं दिए, ऐसी कोई ऐसी मेरे पास कोई सूची नहीं है। और हम ऐसी सूची कोई मतलब अपनी तरफ से प्रयास भी नहीं करें। हमारा जो संगठन है वो आंतरिक रूप से हम रिपोर्ट ले रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा धड़ा कोई पार्टी से दूर जा रहा है ऐसा हमारे पास अभी तक नहीं है। आपको नहीं लगता है कि इस घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी सांचौर में बैकफुट पे आ गई? नहीं, ये ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी चुनाव में समय है और कुछ नाराजगी, राजी नाराजगी है तो प्रक्रिया का हिस्सा है, तो हमें लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। सांचौर के लोग, जो वर्तमान कांग्रेस का शासन और वर्तमान के जो यहाँ के थे प्रत्याशी या मंत्री जी, MLA साहब, उनसे बहुत भारी मात्रा में असंतुष्ट है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सांचौर को कवर करेंगे और जीतेंगे। आप कांग्रेस से लड़ेंगे या आपस में लड़ेंगे? नहीं, हम कांग्रेस से पूरी ताकत से लड़ेंगे।
आपस में लड़ने वाला कोई मुद्दा भी नहीं। अभी वर्तमान में आप खुद लड़ रहे हो आपस में, तो होता है सब लड़ेंगे, कांग्रेस में भी ठीक ठाक तो आप देखना पूरे प्रदेश में ऐसा होगा, ये तो होता है, तो स्वाभाविक है, पूरे भारत में हर जगह होता है। डैमेज कंट्रोल को लेकर अब पार्टी का संगठन क्या कर रहा है, क्या अभी तक क्या कुछ प्रयास हुए हैं? जी, डैमेज कंट्रोल से हमारी लगातार कार्यकर्ताओं से बात हो रही है, जिस स्तर का कार्यकर्ता है जिस स्तर से बात होनी चाहिए वो हो रही है सभी से। पार्टी के फैसले को नहीं मानना और बगावत की तौर पे पार्टी के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर कोई पार्टी में ऊपर लेवल पे कोई रिपोर्ट गई हो या अनुशासनात्मक कार्रवाई की कोई बात हुई, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कोई पार्टी से बगावत वाली बात हमारे पास ऑथेंटिक रूप से कोई नहीं आई। अभी ये बता रहे कि टिकट परिवर्तन की मांग करते हैं तो वो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पार्टी सोचेगी, पार्टी को ठीक लगेगा, निर्णय करेगी। कल कुछ लोगों का वीडियो आया जिसमें कह रहे हैं कि टिकट अपने पास रखना, वोट हमारे पास है, टिकट जीतेगी या वोट जीतेगा? तो लोकतंत्र है, स्वतंत्र देश है, इसमें सबको अधिकार है, कोई इसमें रोक नहीं लग सकती। वोट सभी के पास है और सभी को देना है और सभी निर्णय करेंगे और जो निर्णय होगा वो सबको मंजूर रखना पड़ता है। ये संदेश के लिए खेड़ा जी चौधरी के अलावा और भी नेता प्रदेश अध्यक्ष जी को जिम्मेदारी दिए गए? नहीं, ऑथेंटिक रूप से ऐसा कुछ नहीं, जिनके अपने अपने तरीके से जहाँ भी संबंध है, जहाँ भी संपर्क है, जिनको लगता मुझे बात करनी चाहिए कर रहे हैं।